आज हमारे साथ आईवाईसी के जनरल सेक्रेटरी जगदेव कागा जी हैं, नवनीत जी हैं आईवाईसी के सेक्रेटरी, आयुषी जी हैं जो इंचार्ज हैं यंग इंडिया बोल के जम्मू कश्मीर के, अनिरुद्ध जी हैं, आकाश जी हैं, करणजोत जी हैं, सरोज भाई हैं, और सभी लोग आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से हमने यंग इंडिया के बोल वॉल्यूम 1 और 2 लॉन्च किया था, वैसे ही यंग इंडिया के बोल वॉल्यूम 3 की लॉन्चिंग है। और ये जो प्रोसेस जो आईवाईसी ने, यूथ कांग्रेस ने शुरू किया है, जिससे जो वो लोग जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये प्लेटफॉर्म यूथ कांग्रेस दे रही है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, सिर्फ उनमें टैलेंट होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए देश की डेमोक्रेसी के लिए, तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आप सभी को नमस्कार, अपने व्यस्त समय से समय निकाल के आप आए। आज हम जो राहुल गांधी जी की सोच आम युवाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए, यंग इंडिया के बोल जो तीसरा पड़ाव है, ये 2019 में शुरू किया गया था राहुल जी द्वारा, कि जिन लोगों को, जो लोग बोलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसको कंपेन को नाम दिया गया था यंग इंडिया के बोल। आज हम सीज़न 3 यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा लाबरू जी, उनकी तरफ से आयुषी जी जो उत्तराखंड से हैं, उनको यहाँ का इंचार्ज लगाया गया है। और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपनी बात मीडिया की, जो यंग इंडिया के बोल आज हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चिप जी, मेरी को इंचार्ज नवनीत जी और साथ में साथी अनिरुद्ध जी जो मीडिया का प्रभाव देख रहे हैं, उनकी हाजिरी में वो अपनी बात मीडिया के सामने रखे और लॉन्चिंग के बारे में मीडिया को बताएं। उसी जी नमस्कार सबको, आपका मेरा आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं जो जितने भी आपके चैनल्स के माध्यम से, जितने भी आप पत्रकार हैं आपके माध्यम से, जितनी भी जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसको इन्वाइट करना चाहती हूँ कि वो आए इस कंपटीशन में भाग लें। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए वो किसी भी यूथ कांग्रेस के पेज पर जाकर, ये जो पोस्टर है इसमें एक क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, उससे एक फॉर्म का लिंक खुलेगा जिसमें जाकर वो अपनी एंट्री फिल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है इस बार हमने बिल्कुल निःशुल्क रखा है, कोई इसका अब हम चार्ज नहीं कर रहे, पहले ये पेड था लेकिन अब हमने इसको सुविधा देखते हुए सबके लिए निःशुल्क रखा है, तो कोई भी इसमें आके साइन अप कर सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है अंडर 35 है, और जो भी लोग बोलना चाहते हैं, प्लस किसी को अगर शायरी का शौक है, वो जो है पॉलिटिकल शायरी कोई बनाता है, कोई पॉलिटिकल पोएम बनाता है, पॉलिटिकल गाने बनाता है, तो उन सब के लिए भी हमने अलग से कैटेगरी रखी है जिसमें हम जो है अब एंट्रीज ले रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, 25 अप्रैल फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले आप देखिए आज हमारे देश की स्थिति क्या है। राहुल जी को कहना पड़ा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जो है संसद में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता, मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, और वैसे ही अब देखिए संसद से उनको बाहर षड्यंत्र रच के निकाल दिया गया है एक तरीके से। तो आज जब देश में हमारे सबसे ताकतवर नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, ऐसे में यंग इंडिया के बोल एक बहुत बड़ा प्रयास है यूथ कांग्रेस का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जिससे हर आम आदमी अपनी बात को सामने रख सकता है, उसकी आवाज़ को एक मंच दिया जाएगा, उसकी आवाज़ को जो है पूरे देश तक पहुंचाने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। आपने ये जो आज यंग इंडिया के बोल लॉन्च किया है, इसका मकसद क्या है? आज के जो हालात हैं, मोदी सरकार द्वारा जब से ये सत्ता में आई है, लोकतंत्र का घान करके संविधान को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, जब कर रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे माननीय नेता श्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा यंग इंडिया के बोल लॉन्च किया गया था 2019 में, कि आप अगर आप जैसे उनको संसद में, अब देखा पिछले दिन ही कि सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई गई और संसद से उनको बाहर निकाला गया, उनको उनकी सदस्यता भंग की गई, वो सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने हमेशा आम लोगों की आवाज़ उठाई और अडानी अंबानी जैसे लोगों पर उन्होंने सच बोला कि ये देखो कैसे करप्शन कर रहे हैं और मोदी इनसे मिला हुआ है। जब ऐसी चीज़ें होती है तो एक मीडिया रह जाता है, सोशल मीडिया रह जाता है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। और दूसरी बड़ी बात कि आम नौजवानों को जो राहुल जी का सपना है, जो श्रीनिवास जी की सोच है, जो हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा लाबरू जी की सोच है कि आम नौजवान राजनीति में आए और अपनी आवाज़
उठाएं और देश के लोगों के लिए बोले, इसलिए हम ये जांगिड़ी के बोल थ्री पार्टर्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर रहे हैं।